नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24/7। न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। समाजवादी विचारधारा के जनक, प्रखर वक्ता, बेबाक टिप्पणी के धनी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की 110वीं जयंती पर उनके चित्र पर जिला कार्यालय हापुड़ पर तेजपाल प्रमुख के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने मालार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख ने कहा कि जब से देश व प्रदेश में भाजपा सरकार सत्तारूढ़ हुई है, तब से जनता कमर तोड़ महंगाई की मार झेल रही है तथा चारों तरफ अराजकता का माहौल है। लोहिया जी की नीति रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवाई पढ़ाई मुफ्त हो का नारा देश से गायब हो गया है। देश में अघोषित कर्फ्यू की स्थिति बनी हुई है। धारा 144 का दुरुपयोग सरकार सबसे ज्यादा कर रही है, जिसका व्यापारी वर्ग सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा है तथा 2 रुपये का माल 10 रुपये में बिक रहा है। कोरोना वायरस के चलते देश की गरीबी भुखमरी के कगार पर है और देश की गरीब जनता भुखमरी के कगार पर है। मजदूरी कर नहीं सकते, रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं तथा सरकार के इंतजाम नाकाफी हैं। व्यापारी वर्ग महंगे दाम पर सामान बेच रहे हैं। मास्क और सैनिटाइजिंग का सामान बाजार से गायब है तथा खान पीन का सामान बाजार से गायब है, लिहाजा जनता परेशान है। इस अवसर पर सपा कार्यकर्ताओं ने गरीब मजदूर, रिक्शा चालक व मयूर चालक आदि को मास्क बांटकर कोरोना वायरस के बारे में जागरूक किया।